आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कि क्यों जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन इतना इजीली नहीं देते हैं एज़ कंपैरिजन टू अल्काइल हैलाइड, जो कि अल्काइल हैलाइड SN1 भी देता है और SN2 भी देता है। तो हमें आज उन रीजंस को समझना है जो कि NCERT में दिए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब सबसे पहला जो रीज़न होता है जिसकी वजह से एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, वो रीज़न क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट। जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट। NCERT में सबसे पहला पॉइंट यही दिया हुआ है कि रेजोनेंस के वजह से भी एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं देना चाहता है। अब कैसे वो चीज़ को हम समझेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन एज एन एग्जांपल लेते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं क्लोरोबेंजीन बनाऊँ तो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अब क्लोरीन के पास क्या होता है, उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये क्या हो गया, उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमें पता है कि किसी भी हैलोजन एटम के पास ना दो प्रॉपर्टीज होती है, मतलब उसके पास प्लस आर इफेक्ट भी होता है और उसके पास माइनस आई इफेक्ट शो करने की भी टेंडेंसी होती है। मतलब प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ दे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट, और जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। तो जब भी कोई हैलोजन एटम जब रिंग से अटैच्ड होता है तो उसका प्लस आर इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेंट होता है एज कंपैरिजन टू माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे ये लिख लो कि प्लस आर इफेक्ट इस केस में व्हेन अटैच्ड टू अ रिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट से ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हैलोजन एटम क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। अब जब वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। जब इलेक्ट्रॉन कोई किसी को देता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से इस कार्बन का जो वीकर बॉन्ड होगा, अब वीकर बॉन्ड कौन सा है, यहाँ पे एक बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड हमारा क्या है, पाई है। तो आउट ऑफ द टू बॉन्ड्स जो पाई बॉन्ड होता है वो वीकर बॉन्ड होता है, तो वो टूट के वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन को ट्रांसफ़र करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, क्लोरीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ये ऐसे एज इट इज़ इसके पुराने बॉन्ड्स रहेंगे। अब फिर क्या होगा, फिर से ये वाला, ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ट्रांसफ़र होगा और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा और ये रहा इसका क्लोरीन। अब अगर हम देखें फिर यहाँ पे यही चीज़ होगी, ये बॉन्ड इस कार्बन को ट्रांसफ़र होगा, अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड बन गया था, नया बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और फिर से क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब एक लास्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था क्लोरीन का, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के वजह से वो बॉन्ड वापस किसको जाएगा, क्लोरीन के पास जाएगा। तो फिर से क्या हो जाएगा, क्लोरीन के पास उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका लास्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा और यहाँ पे, तो ये हो गया क्लोरीन और ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या देखा हमने, इस क्लोरोबेंजीन में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो हमने क्या देखा कि रेजोनेंस की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया है। क्या डेवलप हुआ है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब यहाँ पे वर्ड पार्शियल क्यों बोला गया, क्या यहाँ पे सबसे पहले देखना है क्या डेवलप हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये डेवलप हो रहा है और ये किसके वजह से हो रहा है, रेजोनेंस के वजह से। तो इसी वजह से इसे क्या बोला जा रहा है, पार्शियल, क्योंकि ये तभी तक रहेगा, ये डबल बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के बीच में तभी तक रहेगा जब तक यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ पे ये एक रीज़न होता है कि रेजोनेंस की वजह से एराइल हैलाइड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है बिटवीन द कार्बन एंड द हैलोजन। अब उससे हमें क्या लेना देना है,
तो बात यहाँ क्या है कि कंपैरिजन यहाँ पे किसके साथ हो रही है, अल्काइल हैलाइड के साथ। तो अगर हम अल्काइल हैलाइड में देखें तो अल्काइल हैलाइड में क्या है, अल्काइल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। और अगर यहाँ देखें एराइल हैलाइड में रेजोनेंस की वजह से कार्बन और हैलोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड डेवलप हो गया है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या डेवलप हो गया है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और जैसा कि हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो अगर कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे इस हैलोजन को निकालना इतना ईजी नहीं है एज़ कंपेरिजन टू जितना ईजिली ये हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके एक्स माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा और न्यूक्लोफाइल यहाँ पे ईजिली सब्सटीट्यूट हो जाएगा उसके जगह पे। तो अल्काइल हैलाइड में क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसीलिए हैलोजन अब बहुत ईजिली अपना बॉन्ड तोड़ के अपनी जगह न्यूक्लोफाइल को लगा देता है और यहाँ पे न्यूक्लोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो जाता है। लेकिन एराइल हैलाइड में सबसे पहला रीज़न यही है कि रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, एंड एज वी नो डबल बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन सिंगल बॉन्ड, हेंस हैलोजन एटम इज नॉट ईजली रिमूव्ड बाय एनी न्यूक्लियोफाइल। और वो न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है, OH- CN- कोई भी हम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते ही नहीं है। अगर हम ड्रास्टिक कंडीशंस प्रोवाइड कर दें, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, और ड्रास्टिक कंडीशन कौन कौन सा होगा याद रखो, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होना चाहिए, और सबसे मेन जो चीज़ है वो क्या है हमारा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे कि मान लो NO2, कार्बोक्सिलिक COOH, ये सारे ग्रुप्स अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो तो भी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करवाते हैं। लेकिन ऐसा वैसा नहीं कि आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को कहीं पे भी लगा दो, कहाँ होना चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द हैलोजन एटम, मतलब जहाँ भी हैलोजन लगा है उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पोजिशन क्या होना चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा। तो यहाँ पर ये बात भी याद रखना है, ऑर्थो एंड पैरा विथ रिस्पेक्ट टू हैलोजन एटम। तो ये हमारा पहला पॉइंट था जिसके वजह से एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड पॉइंट समझेंगे जो कि क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन का भी रोल होता है एक, जिसके वजह से एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं। अब वो क्या होता है, जैसे देखो अगर हम एराइल हैलाइड बनाते हैं और यहाँ पे ये हमने क्या बना लिया, अल्काइल हैलाइड, ये हमारा क्या है अल्काइल हैलाइड, और ये हमारा क्या हो गया एराइल हैलाइड। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। और अगर यहाँ पे देखें तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3। अब हमें जैसे कि पता है कि यहाँ पे अगर हमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालना है दोनों के केस में, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अगर हम देखें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कैसे देखेंगे, टोटल को मतलब यहाँ पे तीन हिस्सों में डिवाइड कर दो 100 को, तो अगर 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 33.33। यहाँ पे इन एराइल हैलाइड परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है 33.33। अब अगर यहाँ पे हमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालना है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो अगर 100 को 4 से डिवाइड करते हो तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना निकल के आएगा, नियर अबाउट 25%।
तो इसका मतलब एराइल हैलाइड में जो एस कैरेक्टर होता है वो क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है। और हमें पता है कि जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहाँ पे उतनी ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कंपेरिजन टू दिस कार्बन। अगर हम देखें इस कार्बन और हैलोजन के बीच में इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है। मतलब यहाँ पे यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो यहाँ पे हैलोजन का इफेक्ट ज़्यादा होगा। हैलोजन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के खुद पे क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा एक्वायर कर लेगा और ये क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा एज़ कंपेरिजन टू यहाँ। यहाँ पर मैंने इसीलिए क्या किया है, तीन प्लस साइन बनाए हैं। और यहाँ पे बिकॉज इसका कार्बन जो है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब ये इस हैलोजन को उतना इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, अपनी तरफ खींच के रखेगा। इसी वजह से इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा वो इस कार्बन के कंपैरिजन कम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा है तो इसका मतलब आप इस हैलोजन को इतना ईजिली नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि कोई भी अगर एटम को बाहर निकलना है तो उसको वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके ही साथ में निकलेगा। तो यहाँ पे एराइल हैलाइड के केस में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ने के वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसके वजह से ये हैलोजन एटम इतना इजीली नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल के थ्रू जितना इजीली हम एल्काइल हैलाइड में करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन ने ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के रखा है तो जिसके वजह से क्या होगा, इसका बॉन्ड लेंथ भी क्या होता है, इसका बॉन्ड लेंथ कम होता है। बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ग्रेटर एस कैरेक्टर की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसके वजह से बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे एराइल हैलाइड के केस में बॉन्ड लेंथ भी क्या होता है, कम होता है। और बॉन्ड लेंथ नियर अबाउट इसमें क्या होता है, 169 पिकोमीटर होता है। और वही अल्काइल हैलाइड में इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, समथिंग अबाउट 177 पिकोमीटर। तो अभी तक हमने दो पॉइंट्स समझ लिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या है कि क्यों एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। तो एक रीज़न ये भी है कि जो एराइल हैलाइड, जो ये बेंजीन रिंग होता है ना, ये खुद में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये क्या होता है, खुद में इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और जो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर ले लो, तो न्यूक्लियोफाइल का भी नेचर क्या होता है, ये भी कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं। तो बिकॉज दोनों का नेचर सेम होता है इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम कराएं तो बहुत इजीली हो जाएगा एज़ कंपैरिजन टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अभी तक हमें तीन पॉइंट्स हमने समझे। फर्स्ट इज़ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है। और हमें पता है ये कंपैरिजन हमें अल्काइल हैलाइड के साथ करना है, तो क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड में इतना इजी नहीं होता है जितना इजीली अल्काइल में हो जाता है। सेकंड होता है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा टाइटली अपनी तरफ खींच के रखता है, जिसके वजह से इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना एल्काइल के केस में डेवलप होता है। एल्काइल हैलाइड में हैलोजन ईजिली इलेक्ट्रॉन लेके एक्स माइनस के फॉर्म में निकल जाता है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो बस ये सेकेंड रीज़न था। थर्ड ये है कि बिकॉज ये भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं, जो कि ये एक रीज़न है कि वो न्यूक्लियोफाइल को अपने पास आने नहीं देता। अब हम सबसे लास्ट पॉइंट समझेंगे, दैट इज़ इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन। अब फिनाइल कैटाइन क्या होता है और ये पॉइंट क्या है, वो चीज़ समझना है हमें। लास्ट पॉइंट क्या है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। तो अगर हम ये एराइल हैलाइड लेते हैं, हमने ये एराइल हैलाइड लिया, इसमें हमने हैलोजन लगा। अब यहाँ पे पहला चीज हमने पहले तीन पॉइंट से क्या समझा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं दे सकता है। अगर उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना भी है तो उसके लिए वी नीड
हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है, हमने अभी ये समझा और हमें बाकी तीन पॉइंट से ये समझ आया है कि क्या रीजन है कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। रीजन ये है कि पहला रेजोनेंस होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तीसरा क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। ये तीन रीजंस होते हैं जो एराइल हैलाइड को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देने देते। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये है कि ये हैलोजन को बाहर निकालना एराइल हैलाइड के केस में नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, मतलब इतना फेवरेबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम जैसे तैसे करके अगर इसको हम निकाल देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जहाँ पे इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये एक्स माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल कैटायन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल कैटायन। अब अगर यहाँ पे पहले हैलोजन हट रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है कार्बन पे, इसका मतलब आउट ऑफ द टू सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन फॉलो किया है, SN1 फॉलो किया है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल कंडीशन पे देना नहीं चाहता, उसके रीजंस हमने समझ लिए। दूसरी बात, अगर देगा भी तो SN2 के थ्रू वो देना पसंद करता है, ना कि SN1 के थ्रू। अगर हम SN1 के थ्रू इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो ये देखा जाता है कि एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज़ फिनाइल कैटाइन, जो कि अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। बिकॉज ये कैसा स्ट्रक्चर है, इसकी एनर्जी हाई होती है और ये क्या होता है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। इसी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो भी SN1, तो रूल्ड आउट हो जाता है, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा इन केस ऑफ एराइल हैलाइड। तो अब क्या रीज़न है कि ये फिनाइल कैटायन अनस्टेबल होता है, तो रीज़न ये होता है कि जितने भी इफेक्ट हमने पढ़े हैं, जैसे कि रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट, तो कोई भी इफेक्ट इसको क्या करता है, स्टेबलाइज नहीं करता है। ये अनस्टेबल क्यों है, बिकॉज इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड, बिकॉज इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो कोई भी इफेक्ट की बात करो तो बिकॉज ये किसी भी रेजोनेंस इफेक्ट या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या कोई भी इफेक्ट से, बिकॉज ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे SN1 एराइल हैलाइड के केस में होना पसंद नहीं करता। अब ऐसा क्या रीज़न है कि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होता है, तो रीज़न ये है कि अगर हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाए, फिनाइल कैटायन का अगर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया जाए तो फिनाइल कैटायन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ये बेंजीन रिंग है, इसमें क्या होगा, ये बेंजीन रिंग के पी ऑर्बिटल्स हैं। अब जनरली क्या होता है, बेंजीन रिंग की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पूरा डीलोकलाइज करता है कुछ इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन होता है, जिसके वजह से बेंजीन ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो अब यहाँ पे क्यों फिनाइल कैटायन में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो फिनाइल कैटायन में रेजोनेंस इसीलिए नहीं होता है बिकॉज कि जिस लोब में वो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है ना, वो बेंजीन रिंग के पी ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होता है। क्या है, सारे बेंजीन रिंग के पी ऑर्बिटल कैसे हैं, पैरेलल टू ईच अदर है, पैरेलल है तभी तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन बहुत इजीली हो रहा है, कि कभी भी पैरेलल ओवरलैपिंग सबसे बेस्ट होती है इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन के लिए। और बिकॉज यहाँ पे ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स क्या है, पैरेलल, तो इसी वजह से बेंजीन में, जब अकेले बेंजीन में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन बहुत ईजिली होता है। लेकिन यहाँ पे फिनाइल कैटायन जब बनता है, जब हैलोजन अगर निकले और अगर जब फिनाइल कैटायन का फॉर्मेशन होता है एराइल हैलाइड के केस में, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो जिस लोब में प्रेजेंट होता है, वो लोब क्या होता है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पी ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन रिंग, जिसके वजह से कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता है, रेजोनेंस नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम रीज़न क्या लिखेंगे, फिनाइल कैटायन अनस्टेबल क्यों है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज
इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द बेंजीन रिंग पी ऑर्बिटल, हेंस कॉन्जुगेशन और डीलोकलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो बस अगर पहला स्ट्रक्चर रेजोनेंस के वजह से स्टेबलाइज था, ज़्यादा स्टेबल था, तो वो अपने आप में सब्स्टिट्यूशन करवा के अपने आप को अनस्टेबल स्ट्रक्चर में क्यों चेंज करवाना चाहेगा। तो चौथा रीज़न ये होता है, अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं और वो भी SN1 के थ्रू, तो वो तो कभी नहीं होना चाहेगा, क्योंकि SN1 के वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि फिनाइल कैटायन है, जो कि रेजोनेंस अनस्टेबलाइज स्ट्रक्चर होता है, क्यों वो मैंने बता दिया है। तो ये थे हमारे चार रीजंस कि क्यों एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। तो सेम चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।